प्रेमचंद रंगालय में 62वां प्रांतीय अधिवेशन अभी यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हो रहा है। उनके छात्रों से हम बार अभी लगातार घूमकर पूछ रहे थे, और भी छात्रों से हम अभी पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम शुभम कुमार है। शुभम जी, तो एबीवीपी में कितने सालों से हैं आप? तकरीबन 3-4 वर्षों से हम इसमें हैं। क्या क्या इसमें आप होते हुए देखे हैं? देखिए, मैंने इसके थ्रू उधर कहाँ जा रहे हैं, इसके थ्रू अपने मैंने देखा है कि छात्रों के अंदर कैसे राष्ट्रभक्ति जगती है, कैसे लोग अपने हकों के लिए लड़ते हैं, छात्र कैसे अपने हकों को पहचानते हैं, क्योंकि छात्र तो सब होते हैं, विश्वविद्यालय में सब पढ़ते हैं, लेकिन उनकी जो अपनी मौलिक हक है, क्या उनको विश्वविद्यालय करना चाहिए, क्या उनको पता है कि नहीं है। छात्र संघ हर मुद्दे पर उसके आगे खड़ा होता है, चाहे वो शैक्षणिक हो, सांस्कृतिक हो, खेलकूद हो, किसी भी मुद्दे पर अगर छात्र कहीं पीछे हट रहा है तो विद्यार्थी परिषद उसे आगे बढ़ाने का काम करता है। बिल्कुल, विद्यार्थी परिषद उन्हें आगे बढ़ाने का काम करता है। हम और भी छात्रों से पूछेंगे। आपके अभी लगता है नए हैं, अभी कुछ कितने साल हो गए? लगभग 1.5-2 वर्षों से हैं। 1.5-2 वर्षों से, तो क्या क्या मुद्दा इसमें समझते हैं, जानते हैं, और क्या क्या मुद्दा एबीवीपी उठाती है? एबी विद्यार्थी परिषद राष्ट्र के हर मुद्दे पे बात करती है। राष्ट्र के हर वह जितना भी मुद्दा राष्ट्र में है, चाहे वह विद्यार्थी से संबंधित हो, चाहे वह राष्ट्र की नीतियों से संबंधित हो, वो शिक्षकों से संबंधित हो, या फिर वो ऐसे तमाम मुद्दे जो भी देश में आते हैं, या फिर ज्वलंत मुद्दे जो भी, उस पर विद्यार्थी परिषद स्टैंड रखती है। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि विद्यार्थी परिषद ने बनाया है। जैसे कि धारा 370, ये मुद्दा विद्यार्थी परिषद ने सर्वप्रथम उठाया था, चाहे वो CAA हो या फिर NRC हो, सबकी मांग, ये जितनी ही मांग है वो सब विद्यार्थी परिषद का उठाया मांग है, जिसको कि सरकार ने भी अपने मैनिफेस्टो में जगह दिया था, उस पर काम भी हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे अभी लॉकडाउन में STET का मुद्दा उठाया था, जबकि पूरी कोरोना काल में बंद था सब कुछ, फिर भी हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और जो भी मीडिया थे उसके माध्यम से STET के खिलाफ आवाज़ उठाया। तो ऐसे जितने भी मुद्दे आते हैं, परिषद की पाठशाला चलाया, जहाँ पर कोरोना में जो गरीब छात्र जो विद्यालय नहीं जा पा रहे थे, जिनके ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रहे थे, उनको जा करके घर घर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। अनुजी, कैमरामैन जी इधर ध्यान देंगे, आप यहाँ आकर क्या सीखे, क्या जाने? हम यहाँ आके यही सीखे कि ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, ये समाज में मानवाधिकार, सामाजिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार, यानी सोशल, पॉलिटिकल और ह्यूमन राइट्स, तीनों के लिए खड़ा है हर एक देशवासी के साथ, और हमेशा राष्ट्रवाद के लिए ये जाना जाता है ये संगठन। और इस संगठन की यही सबसे अच्छी बात है कि ये हर किसी की मदद करता है, बिना उसकी जात और उसके धर्म को जाने हुए, बिना उसके जात। आपने क्या जाना और क्या सीखा? क्या नाम हुआ? आलोक तिवारी। आलोक तिवारी, एबीवीपी में कब से हैं? 10 सालों से। 10 सालों से छात्र पॉलिटिक्स और ये सब में से है। क्या क्या मुद्दे अभी तक आप अपने कार्यकाल में उठाए होंगे, या क्या क्या चीज़ों का हिस्सा रहे, कुछ प्रकार बताएंगे हम? देखिए, विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से छात्र हित, समाज हित और राष्ट्र हित के लिए कार्य करती आई है, और हम इसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। विगत सालों में आपने देखा होगा कि विद्यार्थी परिषद ने कई छात्र आंदोलन किए, चाहे वो विश्वविद्यालय में फी वृद्धि का मामला हो, या फिर उसके अलावा अभी हॉस्टल विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा खाली करा दिया गया था, जबरन खाली कराया गया था, उसके अगेंस्ट में विद्यार्थी परिषद ने विरोध किया, जिसके चलते वो रुक गया। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो छात्र हित, समाज हित और राष्ट्र हित में हम लगातार उठाते आए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। आपका क्या नाम हुआ भाई? जी, मेरा ज्ञान कुंज विभूति। कब से हैं एबीवीपी में? अभी 2 साल हो गया। अच्छा, अभी 2 साल। पढ़ाई क्या चल रही है? ये हमारा BSc केमिस्ट्री ऑनर्स है। यहाँ तमाम छात्र हैं। अभी क्या नाम बताया आप? ज्ञान कुंज। ज्ञान कुंज जी से मैं बात कर रहा था, अभी मैं सामने देख रहा हूँ, अभी मैं और छात्रों से अभी बात करूँगा। एबीवीपी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? अरे काहे डरते हैं, एबीवीपी के लड़कन सब तो एकदम हिले रहता है। कितने सालों से हैं एबीवीपी में आप? हम तो विद्यार्थी परिषद में विगत 7 वर्षों से हैं। 7 वर्षों से जी। तो इसमें क्या क्या चीज़ों ने आपने देखा और क्या क्या चीज़ें आपकी अच्छी लगी या खराब लगी बताएंगे? विद्यार्थी परिषद में बुरा अनुभव कुछ नहीं रहा, सामाजिक जीवन है, सामाजिक कार्य है, तो इसमें सीखने को होता है हर चीज़। क्या सीखने को मिला? विद्यार्थी परिषद समाज के विश्वास पर कैसे खरा उतरा जाए, समाज में क्या कमियां है, विद्यार्थी परिषद उसको सही करने में अपना क्या योगदान निभा सकता है, इन संपूर्ण चीज़ों का किस प्रकार से ट्रेनिंग हो, पूर्ण समावेश विद्यार्थी परिषद में मिलता है। इसलिए हम तो कहेंगे हर छात्र को छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद में जरूर जुड़ना चाहिए, और विद्यार्थी परिषद में कार्य करके अपने आपको पूर्ण करना चाहिए, मेरा यही मानना है। ये नीतीश जी थे, हम बात कर रहे थे। आपका जी क्या नाम हुआ?
पीयूष कुमार। पीयूष जी पहले भी मिल चुका हूँ लगता है कॉलेज और हॉस्टल जी। तो यहाँ पर आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं पीयूष जी? मैं तो मतलब 3 साल ग्रेजुएशन में, अभी फर्स्ट ईयर पीजी में हूँ। अच्छा, फर्स्ट ईयर पीजी में। तो यहाँ पर क्या अच्छा लग रहा है आपको? मतलब एक अच्छा माहौल है, समाज में जो बुराइयाँ हैं इसको हम छात्र जीवन में रहते हुए कैसे उसको समाधान कर सकते हैं, और छात्र की जो समस्या है उसको एक मुखर रूप से कैसे देश के शासन तक हम लेके जा सकते हैं, ये एक माध्यम है। इस माध्यम से हम अपने समस्याओं को, जो बहुत सारी समस्या हैं, चर्चा करना सही नहीं है, मतलब सब समस्याओं को कैसे सरकार तक पहुंचाया जाए, तो ये एक माध्यम है, इस माध्यम से हम लोग सरकार तक। कौन से छात्र के मुद्दे के साथ मतलब कि आप अभी तक जुड़े हैं या मुद्दों को उठाए हैं, उसमें दिलचस्प कुछ ऐसा बातें बताएं? देखिए, मैं तो बीएन कॉलेज से मतलब काउंसलर भी जीत चुका हूँ जी जी, पहले चुनाव में ही। तो उस समय भी हमने पिछले 4-5 साल से लाइब्रेरी बंद था बीएन कॉलेज पे। तो जब एक छात्र से कोई लोग एक नेता चुना जाता है, नेता या कहिए उसका रिप्रेजेंटेटिव, तो वहाँ की छोटी मोटी समस्याओं तो दूर किया ही जा सकता है। जैसे मैंने मतलब लड़के नहीं, एक आवाज़ उठा के लाइब्रेरी खुलवाया जो विगत 5 वर्षों से बंद था बीएन कॉलेज में। इसी तरह छोटा मोटा काम जो कि बंद पड़ा रहता है, कोई एक आवाज़ नहीं उठता है, तो एक छात्र संगठन या ABBP एक माध्यम है जिस माध्यम से कि हम उन तक पहुंच सकते हैं। चलिए पीयूष जी, और भी कई छात्रों ने बताने का प्रयास किया, पीयूष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बेहतर ढंग से शांति से समझाने का प्रयास किया है। हम और भी कुछ लोगों से ABBP के जो लीडर हैं, उन काहे गाड़ी शुरू कर रहे हैं आप, कुछ बताना चाहेंगे ABBP के बारे में? माइक नहीं लाया है, ये खाली ओपन तार ले आए। अभी विद्यार्थी परिषद का 65वां प्रदेश अधिवेशन की तैयारी चल रही है जी जी, हेलमेट उतार लीजिए। और हम कार्यकर्ता जो विद्यार्थी परिषद में सीखते हैं कि यहाँ हर काम कार्यकर्ता ही करते हैं, और ये परंपरा विद्यार्थी परिषद को अन्य छात्र संगठनों से अलग बनाती है। सबसे बड़ी परंपरा हमारे विद्यार्थी परिषद की यही रही है कि हम छात्र जो हैं हर चीज़ अपने जीवन में किस प्रकार से आगे कुछ करने वाले हैं, वो तो सारे चीज़ों को सीखने के काम इस विद्यार्थी परिषद में हम लोगों को मिलता है। अभी एक एक कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के, या फिर दड़ी लगाने का काम हो, या फिर झंडा लगाने का काम हो, या फिर मिट्टी लाने का काम हो, वो सब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता खुद ही कर रहे हैं। और ये प्रदेश अधिवेशन विद्यार्थी परिषद का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है साल में एक बार, और इस कार्यक्रम में पूरे बिहार से कार्यकर्ता आते हैं, और साल भर में जो कार्यक्रम हम लोगों ने किया है पूरे बिहार भर में और आगे क्या करने वाले हैं, उन सब विषयों पर चर्चा होती है और गहरी मंथन होती है कि छात्रों के बीच में हम लोग किस प्रकार काम करेंगे और छात्र हित के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उन सब विषयों पर हम लोग पूरी तरह से चर्चा करते हैं, और छात्र हितों की जो भी हो सकता है उन सब चीज़ों के लिए हम लोग बात करते हैं। क्या पढ़ाई हो रही है आपकी? अभी मैं BTEC कंप्लीट हुआ है, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया से पास आउट है जी जी। और आगे एग्जाम की तैयारी चल रही है, और वर्तमान में विद्यार्थी परिषद के प्रदेश व्यावसायिक छात्र कार्य प्रमुख का दायित्व है। क्या नाम है? चंद्रव्रत देव। चंद्रव्रत देव जी, और एक और चीज़ पूछना था इसमें, मतलब कि और कुछ नया जो अलग अलग जो विद्यार्थी संगठन है उससे कुछ अलग हमें यहाँ देखने के लिए मिला, आपको ऐसा कुछ बता सकते हैं? देखिए, विद्यार्थी परिषद का नारा है कि पटना हो या गुवाहाटी, अपना देश अपना माटी, इन सब भावनाओं के साथ अलग संगठनों से विद्यार्थी परिषद को अलग करती है। कितना साल हो गया आप विद्यार्थी परिषद में? तो लगातार हम लोग काम छात्र जीवन से कर ही रहे हैं, 4 साल का BTEC कम्प्लीट हुआ उस समय विद्यार्थी परिषद के लिए। विद्यार्थी परिषद सिखाती है कि देश हित में कार्य करने का, और देश हित में कार्य करने का मतलब है कि विद्यार्थी परिषद में भी काम करना। विद्यार्थी परिषद में कहीं ना कहीं एक भावना देश के प्रति अंदर से बलवित होती है कि नहीं भाई, मैं देश के लिए भी और समाज के लिए भी कुछ पढ़ाई के साथ साथ देना चाहिए, ऐसा भावना विद्यार्थी परिषद से ही मिलता है। ये अभी देख सकते हैं बाइक से जा रहे थे ये विद्यार्थी परिषद के तमाम छात्र, इधर आएंगे कैमरामैन अनुज जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और ये तमाम छात्र अभी अपने ढंग से तरीकों से इधर दिखाएंगे कि किस प्रकार से प्रेमचंद रंगालय में अपना 62वां प्रांतीय अधिवेशन को यहाँ पर संजोने में और सजाने में लगे हुए हैं। तमाम छात्र अपने अपने ढंग से, जैसा कि इन्होंने बताया, दरी बिछाने से लेकर पेंटिंग से लेकर तमाम छात्र ही कर रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे, अनुज जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने कैमरा पकड़ा तभी यह वीडियो बना है और आप लोगों तक ये खबर वहाँ तक पहुँच पा रहा है। और अभी के लिए हम कहेंगे झकास वारा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा ताकि तमाम खबरें आप तक जाती रहे। अभी के लिए कैमरामैन अनुज जी के साथ मैं रविकांत, धन्यवाद।